उसमें ऊपर साइड में अभी तो 6 महीने हो गए क्लास किए हुए यहाँ। बाबा मंगल कॉलेज छोड़ने के बाद उसकी आत्मा कहाँ थी? तब तो आत्मविश्वास नहीं था। जो भी शरीर छोड़ते हैं वो सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं ना, है? अगर सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं तो जैसे राम वाली आत्मा में चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा प्रवेश होता है, ऐसे ही और भी रुद्रगण हैं, रुद्रमाला के बच्चे हैं, मम्मा उनमें प्रवेश करके कायपाठ बजाती है। मम्मा और बाबा दोनों ही बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। अकेले मम्मा की बात नहीं है, अकेले बाबा की बात नहीं है, जो भी दीदी दादी दादाएं हैं शरीर छोड़ते जाते हैं अचानक, सबको सूक्ष्म शरीर मिलता है, सब प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। उनका भी बंधन तब टूटेगा जब हमारा बंधन टूटेगा। बीके में जितने भी अचानक मौत से शरीर छोड़ते हैं मम्मा बाबा की तरह, वो सब एडवांस में आकर के जो साकार पुरुषार्थी हैं उनमें प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। और भाई जो हम साइंस में पढ़े हुए कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन माने क्या होता है? वो डायनासोर थे, वो सब कौन से युग में थे, कौन सी एज में? पहले तो ये पक्का करें कि साइंटिस्ट जो भी बातें निकालते हैं, जो भी नई बातें ईजाद करते हैं, क्या वो ब्रह्म वाक्य की तरह पत्थर की लकीर होती है? पुराने वैज्ञानिकों की बात को नया वैज्ञानिक काट तो नहीं देता है? काटता है या नहीं काटता है? डार्विन थ्योरी निकली, वैज्ञानिकों ने निकाली, बाद में उस थ्योरी को वैज्ञानिकों ने फेल कर दिया, झूठी साबित हो गई। ऐसे ही जो डायनासोर का कैलकुलेशन निकाला है हड्डियों का, वो गलत कैलकुलेशन निकाला है। डायनासोर थे जरूर, क्योंकि प्रूफ है हड्डियां हैं, लेकिन वो द्वापर के आदि में थे, सतयुग त्रेता में नहीं थे। है बाकी जैसे कोई जंगल में आग लगी, जिस जंगल में डायनासोर थे, और आग लगने के बाद सारे ही मर गए, कोई एक मेल या एक फीमेल बच गया, जंगल से किसी तरह बाहर हो गया, और वो किसी नदी में या समंदर में शरण ले गया, वहां उसका किसी संयोग से घड़ियाल से संयोग हो गया, क्योंकि घड़ियाल भी चौपदा होता है, पानी में भी दौड़ता है और जमीन पर भी चलता है, शेप तो दोनों का एक ही जैसा है ना, तो शारीरिक आकृति एक ही जैसी होने के कारण उन दोनों का मिलो तो एक नई आकृति पैदा हो जाएगी ना। तो इस तरह नई नई आकृतियां संसार में पैदा होती रहती है, चौपायों से चौपायों का जन्म होता रहता है। वो लोग, वो जो जाति थी, प्रजाति जिसे डायनासोर कहा गया, वो लोप हो गई,
ये सीनोजोइक एरा, मेजोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, जो एरा जो डिवीजन किए हैं करोड़ करोड़ साल में, तो साइंटिस्ट लोग वो गलत है। वो एरा वेरा होते ही नहीं है, कल्पना बनाई हुई है। जब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सारी हिस्ट्री ही रिपीट होती है, तो क्यों नहीं मान लेते कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई 5000 वर्ष की साबित होती है, महाभारत युद्ध 5000 वर्ष का साबित होता है, क्रिश्चियन लोग के अनुसार क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, ये साबित होता है। इन बातों को मन चिंतन मंथन क्यों नहीं करते? फिर दो दो बातें होती हैं, उसमें दुख होता है या एक बात में दुख होता है? दो दो बातें होंगी तो दुख होगा, झगड़ा होगा, और एक ही बात होगी तो झगड़ा नहीं होगा। तो दुनिया में जब से द्वैतवाद आया तब से दुनिया में दुख शुरू हुआ। द्वैतवाद कब नहीं था? जब सिर्फ भारतवर्ष में एक ही धर्म था, दूसरा कोई भी धर्म दुनिया में था ही नहीं, तब अद्वैतवाद था, एक बात था, तो दुनिया में सुख था। उस सुख की दुनिया की कोई हिस्ट्री नहीं है और दुख की दुनिया की हिस्ट्री है। द्वैतवाद की लड़ाई झगड़ा मारा मारी की जो दुनिया शुरू हुई उसकी हिस्ट्री है। क्यों हिस्ट्री है? क्योंकि आदमी दुख के टाइम को याद करता है, एक एक दिन करके याद करता है, तो हिस्ट्री बन जाती है। तो ये 2500 साल की ही हिस्ट्री क्यों मिल रही है हर एक धर्म में? मुसलमान लोग का हिजरी संबत 2500 साल के अंदर का, क्रिश्चियंस का क्राइस्ट संबत वो भी 2000 साल का, शक संबत, हूण संबत, विक्रमादित्य संबत, ये सब कितने वर्ष के अंदर है? 2500 वर्ष के अंदर। 2500 वर्ष से ऊपर का क्यों नहीं है कोई? क्योंकि ये 2500 वर्ष की ही द्वैतवादी दुनिया है। दो दो बातें हो जाती हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो कुल हो जाते हैं, दो दो मतें हो जाते हैं, दो दो भाषाएं होती चली गई, 2 से 4, 4 से 8, भेद बढ़ता चला गया। तो दुख बढ़ेगा घटेगा? बढ़ता चला गया। उसकी हिस्ट्री बन जाती है। दुख में एक एक सेकंड गिना जाता है, एक एक दिन गिना जाता है, सुख में तो टाइम बड़ी जल्दी जल्दी बीतता है आराम से। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें कोई। गीत बनाए हुए समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। गीत जो बनाया है तो सच्चा साबित होता है, झूठा साबित होता है? सच्चा साबित होता है। इसे साबित हो जाता है कि ये दुख और सुख की दुनिया का खेल है। 2500 वर्ष दुख की दुनिया है द्वैतवादी, और 2500 वर्ष है दुख की और सुख की बराबर है। आधा दिन आधा रात, रात होती है अज्ञान की, अज्ञान में आदमी ठोकरें खाता है, दुखी होता है, भक्ति चलती है, भागता रहता है, बुद्धि एक ठिकाने टिकती नहीं है, कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं गुरुद्वारों में, कहीं गिरजाघरों में, कहीं तीर्थों में, भागम भाग, भागम भाग,
सुख की खोज में दौड़ता ही रहता है, दुख खत्म होता ही नहीं, वो है अंधेरी की दुनिया। इसे शास्त्रों में कहा गया ब्रह्मा की रात, वो भी 2000 वर्ष का, और ब्रह्मा का दिन भी 2000 वर्ष का। ब्रह्मा की आत्मा भी सुख में रहती है 2000 साल, तो ब्रह्मा के बच्चे सारी दुनिया है, वो भी सुख में रहती है। सुख दुख का खेल है। जगदीश भाई को बाबा ने संजय क्या खेला था और गणेश, जगदीश भाई को बाबा ने गणेश बुलाते थे। गणेश क्या, वो गणेश है? जगदीश भाई गणेश थे क्या? जब आदमी की नाक नीची हो जाती है तो कहेंगे सूंड लटक गई कि ऊपर उठ गई? हैं? सूंड लटक गई। जिंदगी भर तो वो अपने को समझते रहे मैं ही बाप की प्रत्यक्षता करूंगा, फिर बाद में रिजल्ट क्या हुआ? बाद में जब शरीर छोड़ दिया तब संदेशी में आके कहा कि मैं जो चाहता था वो मैं अपने जीवन में नहीं कर सका, मैंने गलत रास्ता पकड़ा। तो ये गणेश का तो पार्ट है, गणेश में देह अभिमान ज्यादा होता है तो शरीर कैसा दिखाया जाता है? हैं? देह अभिमानी हाथी का शरीर दिखाया जाता है। हाथी क्या करता है 24 घंटे? हैं? मारे देवान के हिलता ही रहेगा, झूमता रहेगा। हाथी का माथा बहुत चौड़ा होता है, इसका मतलब दिमाग का बड़ा है, दिमाग बहुत चलाता है, कान भी बहुत बड़े बड़े हैं, माने सुनता भी बहुत है, ज्ञान को सुनने वाला भी बहुत है। ये सारी सिफतें जो दिखाई जाती हैं गणेश को, वो जगदीश भाई पर सारी लागू हो रही। भक्ति मार्ग में तो फिर गणेश की पूजा पहले होती? जो गणेश की पूजा भक्ति मार्ग में होती है तमो प्रधान युग में होती है या रजो प्रधान युग में होती है? तमो प्रधान युग में होती है, देख लो। कलयुगी देवता है। शिव का तो बहुत प्यारा है, बोलता है, गोलोक तो शिव का बहुत प्यारा बोलता है, शिव का बहुत भक्ति का बोलता है ना। ऐसी भक्ति से क्या फायदा? जिंदगी भर भक्ति करो, उसकी पूजा करो, और फिर जब मन में आए तब उसे ले जाके डुबो दो, नहीं डूबे तो पांव रख के डुबो दो। ऐसी पूजा करवाना अच्छा है। पहले तो भक्ति मार्ग में होता तो हम लोग अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता था। ये तुमको अच्छा लगता है पहले तुम्हारी कोई पूजा करे फिर लात रख करके डुबो दे, ये अच्छी लगता है? ज्ञान में आया तो पता चला। अच्छा, आप पता चल गया, चलो ठीक है। ये ठीक नहीं है, अभी तो कितना भक्ति मार्ग में वही करते रहते, वो लोग आते नहीं है अब, मतलब सत्य वो लोग नहीं आते हैं। बाबा आप कितना सत्य युग में कितना खुशी में रहेंगे, लेकिन ये भाव आता क्यों नहीं है? ये भाव हर टाइम आता क्यों नहीं? इतना खुशी में रहेंगे हम 21 जन्म बाद सही, फिर 63 जन्म राजा महाराजा लेके आए, ये खुशी रहता क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि 63 जन्म के हिसाब किताब जो सामने आ जाते हैं माया के रूप में, माया के रूप में 63 जन्म के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, स्त्री के रूप में आते हैं, पुरुष के रूप में आते हैं, कोई पदार्थ के रूप में आते हैं, तो जब सामने आते हैं तो हम उनका मुकाबला करते हैं क्या? कि शरणागत हो जाते हैं, रसगुल्ला आया और गप खाया। बाबा तो बोलते हैं कि 2012 में बिना सुलझाएगा,
कौन बोलते हैं? ऐसे दुनिया वाले बोलते हैं। अब दुनिया वाले भी बोलते हैं, दुनिया वाले पता नहीं जाने क्या क्या बोलते हैं, सब बातें सुनना जरूरी है। ऐसे जो फ्रांस का एस्ट्रोलॉजर नस्ट्रोनॉमर्स है ना, उनका कैसेट में दिए कि 2012 में एक नया युग आएगा। वो मनुष्यों की बात है न कि भगवान की बात है। नास्ट्रोडाम को आपने भगवान साबित कर लिया है क्या? तो जब भगवान आपको मिल, आप तो ये मानते हैं ना हमें भगवान मिल गया, जब आपको भगवान मिल गया तो भगवान की बात मानो, सुनो, दूसरों को सुनाओ। जो है शैतान वो तो अपनी शैतानी सुनाएंगे कि ज्ञान की बात सुनाएंगे? शैतानी सुनाएंगे। चलो मान लो 12 में विनाश उनके अनुसार है भी, तो उनको पता नहीं है तो वो विनाश किस प्रकार का है? ऐसे नहीं दुनिया का विनाश हो जाएगा 2012 में। पृथ्वी जो है उलट पुलट हो जाएगी, ऐसे ही बोला ना? क्या बोला? माया सभ्यता की जो कैसेट है, धरती उलट पुलट हो जाएगी। वो धरती नहीं उलट पुलट हो जाएगी, जो ब्राह्मणों की दुनिया की धरणी माता है, कौन है? जगदम्बा। उसकी बुद्धि उलट जाएगी। अभी भी उल्टी हुई तो है, लेकिन अभी देखने में नहीं आ रही है। अंदर 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 पृथ्वी के अंदर क्या नाम, परिवर्तन तो बहुत हो रहा है। जो टाइम टू टाइम ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, तो अंदर अंदर घुमाड़ा तो चल रहा है, लेकिन बाहर अभी देखने में कितना, कभी कभी कहीं कहीं भूकंप हो जाता है, ज्वालामुखी फट पड़ता है, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। ये जैसे सिक्किम बहुत मतलब पहाड़ी इलाका है, और हमारा वो एरिया जैसा यूपी और वो एरिया जैसा जनरल प्लेन है, तो छत्तीसगढ़ में क्या ये सब पूरा इतना उत्सव तलाव के पूरा एक ही जैसा हो जाएगा? है ना, जगह जैसा हो जाएगा। कहने का मतलब है लेवल हो सकता है, पृथ्वी तो गोल है, लेवल कैसे हो जाएगी? सभी प्लेन जैसा हो जाएगी या पहाड़ की? सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी कि कुछ हिस्सा ऐसा भी रह जाएगा जो जलमयी नहीं होगा? है? सारी दुनिया जलमयी होगी। भारत खंड बचेगा, बाकी जो धर्म खंड हैं जैसे अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, तो वहां थोड़े से रेड इंडियंस मिले। वो इंडियंस ही थे जो इंडिया से नाव लेकर के चल पड़े, चलते 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 उन्हें रास्ता भूल गया, तो अमेरिका के किनारे जाके लग गए। वहां उनकी जनरेशन फैल गई। आज से 500 साल पहले कोलंबस ने जब खोज करना शुरू की तो उसको अमेरिका मिल गई, रेड इंडियंस वहां मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पहले से थी वहां, अगर पहले से होती वहां जनरेशन और ज्यादा होती। पहले अमेरिका समर्थ के गर्त में समाई हुई थी, जब क्रिश्चियंस की संख्या बहुत बढ़ने लगती है, क्योंकि क्रिश्चियंस तो अनेक शादियां करने वाले होते हैं कि एक दो शादियां करते हैं? अनेक शादियां करने वाले होते हैं, तो पैदाइश ज्यादा होगी या कम होगी? ढेर सारी पैदाइश होती है, तो उसको संभालने के लिए धरणी चाहिए कि नहीं? तो वो अमेरिका ऊपर आ जाती है। जो यूरोप के क्रिश्चियंस हैं उनकी तादाद वहां बहुत बढ़ जाती है, तो फिर वो वहां चले जाते हैं, क्योंकि बाद में आया हुआ धर्म है,
तो बाद में आए हुए धर्म वालों को भी सुख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भारतवासियों ने तो बहुत सुख देखे 2500 साल, तो लास्ट में आए हुए जो धर्म है वो भी सुखी होने चाहिए, तो उनको वो अमेरिका खंड मिल जाता है, जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया है, आज से 300 साल पहले मनुष्य के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया नाम की चीज ही नहीं थी। 300 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया देखो कितना फला फूला हो गया, कितने लोग वहां जाकर रहने लगे। तो ये धर्मखंड पहले थे ही नहीं। जब विनाश हुआ था महाविनाश, तो सब समंदर के गर्त में समाये हुए थे। एक भारत देश ही रह जाता है, वो भी उसका जो अभी समंदर के किनारे किनारे का हिस्सा है दक्षिण भारत, वो सारा समंदर में डूब जाता है। सिर्फ जम्बू द्वीप नाम का थोड़ा स्थान बचता है। ये गंगा यमुना नदियां हमेशा रही थी और हमेशा ही रहेंगी। ये उत्तर भारत ही भारतखंड है, तो जब भारतखंड और गंगा यमुना नदियां रहेंगी तो पहाड़ नहीं रहेगा, पहाड़ भी रहेंगे। और कोई कोई मुरली में आता है कि सूक्ष्म बतन कुछ है नहीं, कोई कोई में आता है कि सूक्ष्म बतन है, पकड़ने की चीज है। कोई कहे आकाश कुछ है, अच्छा आकाश को पकड़ के दिखाओ, तो जैसे आकाश कुछ है नहीं ऐसे सूक्ष्म बतन कुछ है नहीं। वो मन की सूक्ष्म स्टेज है। अगर साहूकार लोग है ना अभी नहीं आएंगे, बाद में वो धान लेकर आ जाएंगे, तो बाबा उस समय धान को मना करेंगे, वो कौन चीज का धन है बाबा? कौन सी चीज का धन है उनके पास? का कोई ज्ञान धन होता है क्या? है ज्ञान धन तो नहीं होगा उसके पास। ब्राह्मणों की दुनिया के भी जो साहूकार हैं, अभी अपना अपना मनन चिंतन मंथन करे बैठे हैं, बाबा को आके बताते हैं, अपनी अपनी पार्टियां बना के बैठे हैं, संगठन इकट्ठा करके बैठे हैं। यूनिटी तो बन रही है, बिना प्योरिटी की बन रही है, कुछ न कुछ प्योरिटी है, लेकिन वो बाबा के पास आ रहे हैं। अपने को ज्यादा साहूकार होशियार समझते हैं ना, अहंकार है ना, बाद में आएंगे देखो हमारे पास ये सच्चाई थी, देखो डरा तुम अपनी अपनी दुकानदारी, हमें नहीं चाहिए। और तो काली और महाकाली वो कौन दोनों है? वो जो एक के साथ काली बने, व्यभिचारिणी बने वो काली, और जो अनेकों के साथ व्यभिचारिणी बने वो महाकाली। महाकाली एक भारत के धर्म से होगी, तो एक इस्लाम धर्म में से कोई निकलेगी मप्पट रानी, ज्यादा काली कौन बनेगी? अरे इस्लाम धर्म का ग्रुप का ग्रुप होगा ही नहीं, बारह का नहीं होगा? अरे बारह बारह के मन के 9 जगह है कि नहीं? 12 ने में 108, तो इस्लामियों का 12 का ग्रुप है, उसमें कोई बड़ी काली बनने वाली होगी कि नहीं? नहीं होगी। तो उसमें जब काली होगी तो वो महाव्यभिचारिणी होगी कि थोड़ी व्यभिचारिणी होगी? हैं? महाव्यभिचारिणी होगी। भारत में उतने व्यभिचारी नहीं होते हैं जितने विदेशी होते हैं। और
और कैसे लगे कि हम सच्चा याद हो रहा है और पाप कट रहा है, ये हम कैसे लगेगा कि हाँ ये जो काम किया है सेटिस्फाई लगा, बाबू की याद किया इतना पाप कटा, वो कैसे लगेगा? पाप का बोझ होता है, बोझ जब हल्का होता है तो हल्कापन नहीं आता है। अरे किसी के ऊपर एक क्विंटल वजन रखा हुआ है सर पे, उसमें से 50 किलो निकाल दिया जाए तो हल्कापन महसूस नहीं होगा? हल्कापन महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, उड़ान महसूस होगी, आत्मा उड़ता हुआ अनुभव करेगी, उड़ती कला अनुभव करेगी, अंत में होते होते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, इंद्रिय सुख की लालसा ही खत्म हो जाएगी। अभी तो इंद्रियों की सुख की लालसा रहती है या नहीं रहती है? तो पापों का बोझ है जो इंद्रियों की सुख की ओर खींच रहा है। हम अपना दिखाई देगा क्या है? मैंने जो खुशी आनंद होने के साथ साथ देवान भी थोड़ा पतला हो जाएगा। हाँ, हल्का हो जाएगा। मैंने जैसा कि पहला का जैसा पतन और जो भक्ति मार्ग में जैसा सब हटा खट्टा था जब बाबा के पास आने के बाद, तो शरीर में भी अंतर जैसा लगता है कि मैंने हल्का पन महसूस होता है ना? जो पतन भारी था है, वो अभी वो थोड़ा हल्का पतला जैसा लगता है। मन भी हल्का तो तन भी हल्का। अभी मुझे ऐसे लगता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि सत्य में इतना कौन सा सुख मिलेगा। अभी भी तो खुश है, सब सब चीज का हम ज्ञान मिलता है, देखते हैं दुनिया रंग रंगीन भी है, फिर इसको छोड़ के फिर इसमें क्या ज्यादा, बहुत सारे सत्ययुग में ऐसा है तो मानो अभी सुख लगता है ना। अभी सुख लगता है ना, थोड़े टाइम के बाद फिर पता चलेगा कितना है। लगता है सो और अभी अनुभव कर लो कितना सुख है। और भक्ति मार्ग वाले जो है तो ऐसा बुजुर्ग भी है, काफी पुराने भी है, उनको ये बात बाबा का बारे में सब कुछ सुनाए भी है, मालूम भी है उनको, लेकिन जब इधर में भक्ति करने का बात सुना तो बिल्कुल नहीं मानता है। मैंने भक्ति में जाने के लिए जो चलते हैं भक्ति करने के लिए, उनको बाबा का बारे में सब कहानी भी सुनाया, कैसे भी दिखाया, पढ़ाया भी, फिर भी भक्ति करने के लिए चलो चलते हैं, अभी अभी उम्र भी ज्यादा हो गया, शरीर भी फिर बैठ जाएगा तो फिर चलना देवन चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा, तो शरीर में तकलीफ भी बढ़ जाएगा। तो चलने के लिए बोलने से भी, उनको बात सुनाने से भी उनका इच्छा होता ही नहीं कि भर्ती करने का, तो उनको किस तरीका से हमने उनको बताना है कि मैंने उनको दिल कहा जाए कि चलो मैं चलता हूं। हट क्यों करना है कि उन्हीं को सुनाना है जिनको हम 4-6 बार पहले भी सुना चुके हैं, ये भी तो हठ योग हो गया। हमारा तो सहज राजयोग है, हमारा काम है संदेश दे दिया, उस संदेश के बारे में 2-4 बातें समझा दी, सुना दी कि देखो ये बात ऐसे सच्ची है, भगवान आया हुआ है, एटम बम बन चुके हैं, दुनिया का विनाश होने वाला है, भगवान भी पहले नहीं आया हुआ था 70 साल पहले, तो ये विनाश की चीजें भी तैयार नहीं हुई थी, अभी भगवान 70 साल से आया हुआ है, आवाज निकल रही है, तो उसी समय से ये एटमिक एनर्जी भी तैयार हुई है, ये प्रूफ काफी नहीं है? समझदार के लिए इतना ही प्रूफ काफी है। नई दुनिया बनने वाली है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है, 3 बातों का संदेश है, थोड़ा बहुत सुनता है तो सुना दो डिटेल में, फिर नहीं मानता है तो बाबा ने बता दिया जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। अगर कुमारिका दादी के धर्म का होगा तो कुमारिका दादी जब उसे सुनाएंगी मनवाएंगी तब ही मानेगा, हमारे सुनाने से वो नहीं मानेगा, चाहे ब्रह्मा भी उतर आए तो भी वो मानने वाले नहीं हैं। इसलिए आगे बढ़ो, हारिए हिम्मत,
विसारी हमारा तो भाग्य बनता है, हम जितनों को संदेश देंगे हमारी प्रजा बनती जाएगी क्या? हमारा तो राजयोग है ना, राजयोग हमारा राजा ही प्राप्त करने का योग है। राजा ही कैसे प्राप्त होती है? जितनों जितनों को सुनाते जाएंगे वो सब प्रजा बनती जाएगी। तो जल्दी जल्दी करें, लाखों करोड़ों को प्रजा बनाना है कि नहीं बनाना है, है? हाँ? इसलिए हिम्मत हीन नहीं बनना है, सुनाते जाओ सुनाते जाओ। हैं? अष्टदेव और अष्टरत्न में क्या फर्क है? रत्न जो होते हैं एक दूसरे से कम वैल्यू के होते हैं कि बराबर वैल्यू के होते हैं? कम वैल्यू के होते हैं। एक हीरा है तो एक पुखराज है, उसकी कोई का वैल्यू नहीं। और जो अष्टदेव हैं वो तो सारे ही सूर्यवंशी हैं, सारे ही हीरो हैं, अपने अपने ग्रुप के हीरो हैं। इस समय संगम युग में वो हीरो पार्ट बजाएंगे दुनिया के अंदर, हीरा है, हीरा फ्लॉलेस हीरा, कोई कमी नहीं, रिंचक मात्र भी धर्मराज सजा खाने वाले नहीं। कैसे बनते हो? हैं? वो कैसे बनते हैं फिर? ऐसे ये नया संसार में कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? पुरुषार्थ से बनते हैं। और कैसे बनते हैं? सच्चाई सफाई से बनते हैं। 108 में जो आते हैं वो क्या सजा खाते हैं? हैं? 108 में से 100 तो सजा खाएंगे ना। खाने वाला सजा खाने वाला सूर्यवंशी नहीं। क्यों? सूर्यवंशी 12 है माला में, 108 की माला में 12 मणके सूर्यवंशी हैं पक्के, उनमें 8 ही तो ऐसे हैं जो सजा नहीं खाते, बाकी 4 तो सजा खाएंगे कि नहीं? नहीं है। फिर कैसा पुरुषार्थ करते हैं तो सजा नहीं खाते? अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो सजा नहीं खाते? अच्छा कैसा? अच्छा कैसा? अच्छा अच्छा पुरुषार्थी सबको दिखाई नहीं पड़ेगा कि अच्छा करता है, खराब पुरुषार्थ करेगा देखने में नहीं आएगा इसने खराब कर दिया। तुम्हें अभी तक यही पता नहीं चला हमने खराब किया कि अच्छा किया? वाह पट्टे। जब अंतिम समय होगा ना, तब उस समय जब हम लोग जब परम धाम जाने का समय होगा ना, टाइम होगा, तब उस समय ये बाहरी दुनिया भी तो है, बाहर का दुनिया भी है और ब्राह्मणों का दुनिया भी है ना। तब उस समय सब लोग परम धाम जाएंगे ना, सब नंबर वार जाएंगे, एक साथ जाएंगे। अरे बारात जाती है, बारात जब जाती है तो इकट्ठे घुस जाते हैं अंदर या आगे पीछे जाते हैं? आगे आगे कौन जाएंगे? घराती जाएंगे कि बाराती जाएंगे? घराती पहले आगे आगे जाएंगे, उनमें भी पहले दूल्हा दुल्हन वो पहले आगे जाएंगे, नंबर है ना। तो ऐसे ही ये 500 करोड़ की बारात है, कम नहीं है। पट्टों का खोल जाएगा और अंदर चले जाएंगे, नंबर वार जाएंगे। आपने क्या मीजान लगाया कि हम आगे चले जाएंगे? नहीं, नहीं क्यों, हम आगे जाएंगे ऐसे। सब सब जाएंगे सोचने के लिए, तो हम सब सब जाएंगे होता है। सब लोग एक साथ जाएंगे या आगे पीछे जाएंगे? आते हैं परम धाम से, जब आते हैं तो नंबर बार आते हैं कि एक साथ आते हैं? नंबर बार आते हैं, नंबर बार जाएंगे। आने में 5000 साल और जाने में 5000 साल नहीं लगेंगे, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक सूक्ष्म बतन में इकट्ठे होते रहेंगे, इतना विनाश होगा, इतनी बिल्डिंगें गिरेंगी, इतने भूकंप आएंगे, इतने ज्वालामुखी फटेंगे, इतना मूसलाधार बरसात होगी, इतनी बर्फ में दब जाएंगे लोग, तो मरेंगे तो अचानक ना, बहुत अचानक मरने वाले क्या बनेंगे? भूत प्रेत बनेंगे या देवता बनेंगे? हैं?
अचानक मौत जिनकी होगी दुनिया में, जब महाविनाश होगा अचानक मौतें होंगी, तो अचानक मौत वाले भूत प्रेत बनेंगे या देवता बनेंगे? भूत प्रेत बनेंगे। भूत प्रेतों की संख्या ज्यादा होगी या देवताओं की संख्या ज्यादा होगी? भूत प्रेतों की संख्या ढेर की ढेर होगी। तो वो सब कहाँ जाएंगे? परमधाम चले जाएंगे नहीं? वो सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म बदन में रहेंगे, प्रवेश करते रहेंगे, एक एक में ढेर के ढेर प्रवेश करेंगे, औरों में नहीं प्रवेश करेंगे, हम ही बच्चों में प्रवेश करेंगे। एक एक में प्रवेश करके जाएंगे ना? एक एक में, एक एक नहीं, एक एक में, एक एक में ढेर के ढेर। तो बच्चों को तकलीफ नहीं होता है? प्रवेश करके जाएंगे याद रहेंगे तो उनको भी शांति में रहेंगे। बाबा आकाश में जितना चलते है ऐसे शरीर से सब चल जाएंगे? जितने चलते हैं, जितने चलते तो बहुत है एडवांस, बहुत चलेंगे। एडवांस की बात को सारी दुनिया मानेगी कि कोई एक दो मानेंगे? मानेगी तो सारी दुनिया आगे चल के, लेकिन जो पुरुषार्थ ऊंचा करेंगे, पक्का पुरुषार्थ करेंगे, पक्की आत्मा बन के रहेंगे, वो इस दुनिया में रहेंगे। जो एडवांस शरीर छोड़ रहा है वो उसको शरीर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जब एडवांस में आया तो उसने ये पक्का नहीं किया कि मैं इस शरीर से स्वर्ग में जाऊंगा? उनको ये लक्ष्य नहीं दिया गया? जब लक्ष्य ये है तो वो लक्ष्य अंत मते सुगते होगी, फिर शरीर लेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे और शरीर रहते रहते स्वर्ग में जाएंगे। बच्चा हाँ हाँ, आजकल के छोटे छोटे तीन तीन साल के बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, दुनिया को चला रहे हैं, ऐसे यूं घुमा रहे हैं बड़े बड़े बूढ़ों बूढ़ों को। सो इतना एक्यूरेट है, जो बड़े बड़े ट्रेन में बस है उसको नीचे से दब जाएंगे, फिर वही 5000 बाद पर सर सेम पर कुछ भी कोई नई बात थोड़े ही है। 300-400 साल पहले तुलसीदास ने लिख के रख दिया, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, क्या हर कल्प में जब जब त्रेता युग आएगा तब राम की आत्मा भगवान जो है राम के रूप में जन्म लेंगे। लो जब राम वाली आत्मा हर त्रेता युग में आकर के जन्म लेगी तो दूसरी आत्मा को जन्म उसी तरह नहीं होगा? आप जहां से आए वहां वापस नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे? नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे? जाएंगे। तो ऐसे ही हर आत्मा जो परमधाम से उतरती है उसका अपना साइकिल नुदा हुआ है, जहां जहां उसे चक्कर लगाना है चक्कर लगा 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 फिर वहीं पहुंचेगी। किसी बात का नजायज फायदा भी, तुम ज्यादा भी कोई गलती होगी किससे कुछ भी हो गया, बोला हम क्या करें, 5000 साल पहले ऐसे हुआ था फिर हो रहा फिर आगे भी होगा। खाना क्यों खाते हैं? सो तो लड्डू पेड़ा खूब खा लेते हैं, सब फटा किचन में पहुंच जाओगे बनाने के लिए, फिर नहीं पूछोगे कि हम क्या करें, हम नहीं बनाते। तो 5000 साल पहले बनाया होगा तो बना लेंगे, कुदर के पहुंच जाएंगे, उसके लिए नहीं पूछेंगे। तो रिपीट ही नहीं हो रहा क्या? हाँ तो रिपीट होता है, वो तो होता ही है रिपीट। पुरुषार्थ के लिए कहेंगे, अरे 5000 साल पहले हमने पुरुषार्थ किया होगा तो अब भी कर लेंगे। पुरुषार्थ के लिए तो ये बोलेंगे, खाने पीने के लिए नहीं पूछेंगे।
अटाक रसगुल्ला आया हो गप। तो हम ब्राह्मण बच्चे जो प्रसाद करके अभी बाबा के पास आए हैं तो बाद में हम राजाएं भी बन सकते हैं प्रसाद करने के बाद तो बाद में फिर ये रोल फिर हम लोग फिर अभी गरीब बच्चे हैं तो फिर गरीब ही रहेंगे बाबा। अरे 84 जन्मों में से एक जन्म के लिए गरीब बन गए तो बड़ी बात है क्या? नहीं नहीं हम लोग नहीं दे सकते। 84 जन्मों में से एक आखिरी जन्म में गरीब बन गए तो बड़ी बात है, वो भी आगे चल के दुनिया के सबसे बड़े रईस बनने वाले हैं। तो है, आगे के जाएंगे। तो फिर वो एक जन्म भी नहीं आधा ही जन्म समझो, चौथाई जन्म समझो। फिर बिना पतित बन करके डायरेक्ट ऐसा नहीं बन सकते है? जैसे कि पतित बनना ही नहीं चाहते हम। अच्छा ठीक है, हम तो मैंने पतित बनने के लिए दोबारा आना नहीं चाहता है 84 में है? लेकिन भगवान बन के ऊपर रहना चाहते नहीं इस माहौल को इस दुनिया को दुनिया में मैंने दुनियादारी में हम ये ऐसा लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था। भगवान को तो ऐसा चाहते कि ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया आज का तू देख रहा है ना बाबा ये जो ये दुनिया देखते नहीं तुमको बैराग आ जाता आ जाता बैराग मुझे ऐसा लग जाता है। अरे ये दुनिया अगर नहीं देखते तो तुमको बैराग आता नहीं आता, इसलिए देखना जरूरी है। बाबा बीच बीच में विश्वास नहीं आता है, हम इतना महान आत्मा देवाता बीच में विश्वास बीच बीच में नहीं आता है। बीच बीच में हम इतना साधारण हो गए बीच में विश्वास नहीं आता है, इतना बड़े बड़े आत्मा होके इतना पाठ बजा के बजा के इतना लोग पहुंचे, ये विश्वास नहीं आता कि हम इतना बड़े आत्मा थे। थोड़े से और पाप करना शुरू कर दो ज्यादा फिर ज्यादा विश्वास आ जाएगा। अरे अच्छा सोचेंगे अच्छा करेंगे तो विश्वास भी आएगा, अच्छे बनेंगे। अच्छा करेंगे नहीं अच्छा सोचेंगे नहीं तो आएगा विश्वास नहीं आएगा। अच्छा अच्छा करने से अच्छा हो जाएगा, निगेटिव करने से निगेटिव हो जाएगा। ज्ञान में चलते चलते जो शादी कर लेते हैं फिर बाद में ज्ञान में आते हैं उनके लिए क्या अच्छा पद है? क्या ज्ञान में चलते चलते शादी कर लेते हैं हाँ? फिर दोबारा ज्ञान में आते हैं हाँ? उनके लिए क्या अच्छा पद है? क्यों कोई से एक बार भूल हो जाए तो सुधरने का चांस नहीं दिया जाता है? राजा बन सकते अच्छा पुरुषार्थ करने क्यों नहीं बन सकते? अरे पुरुषार्थ के ऊपर है ना, बाबा कहते लास्ट में आने वाले फास्ट चले जाएंगे। लक्ष्मी की आत्मा एडवांस में लास्ट में आएगी कि पहले आएगी? वो फास्ट जाएगी या धीमी चाल से चलेगी? फास्ट जाए तो वो फास्ट जा सकती है, हम नहीं जा सकते है? ये तो कह रहे देखो दुनिया में इतने अभी सुख है, सुख दिखाई पड़ रहे हैं अभी भी अभी जाता है सत्य में क्या सत्य रत्न में क्या मजा मिलेगा? क्या मजा यहाँ के मजा यहाँ के मुकाबले वहाँ के कुछ भी नहीं है। बाबा सही में अभी बाबा साथ में सत्य में तो बाबा साथ में नहीं होंगे, वो बाबा के साथ की बात नहीं कर रहे हैं। चला जाएगा था ये हाँ बाबा हमारे दिन सत्य पीड़ा दिन के समय आए बोलाए दवा अन्य द्वापर परी रात के समय बताया है हमारा दावा के श्रीमत में लगने से रात के समय में ठोकर खाते है कि नहीं खाते? क्या पूछना चाहते हो समझा? वो पूछ रहा है बाबा सत्य तीर्थ द्वाप दुनिया का दिन के दिन है दिन है अठारह वर्ष के दिन द्वापर कल युग रात है बाबा के ज्ञान में चलने से हमारा दिन हो रहा है कि रात आता है? बाबा के ज्ञान में चलने से बाबा के ज्ञान में चलने से नहीं होता है, बाबा के ज्ञान में
जब हम पुरुषार्थ करते करते क्रास हो जाते हैं, क्या रात को क्रास कर जाते हैं, विषय वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं, तब हम दिन में आ जाते हैं। अभी दिल के अंदर, तन के अंदर, मन के अंदर दुख आता है कि नहीं? तो रात है कि दिन है? सत्युग त्रेता में दिन ही दिन होगा या रात भी होगी? दिन ही दिन होगा। तो अभी तो रात आ रही है ना, तो हम रात में ही हैं, दिन में कहां? कहते हैं हम ज्ञान में आ गए, अभी अभी ज्ञान में चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद माया आ जाती है, भगवान भगवान कुछ नहीं आया। भगवान आया हुआ है तो संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है। भगवान बुद्धि में से उड़ गया, अनिश्चय बुद्धि हो गए, कलयुग में पहुंच गए। बाबा कि हम अभी संगम जी गए, जैसे हम आपस में बातें करते हैं और आप दुनिया भी देखते हैं, तो संगम जी के साथ आपको कोई मन नहीं होता कि सत्य युग में हमारे साथ थोड़ा आप घूमे फिर बाबा? क्या आप बाबा तो सत्य युग तो आप नहीं आते है? आप तो संगम युग आते हैं और हमारे साथ ऐसा अभी बातें करते हैं, मजा करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं, तो आपका थोड़ा मन नहीं होता कि बच्चे के साथ सत्यजी में थोड़ा मैं घूम के? शिव बाबा को मन होता है कि अमन है? शिव बाबा सदैव ही इच्छा मात्र अविद्या है या उसको भी इच्छा होती है? वो तो सदैव इच्छा मात्र अविद्या है, उसको अपनी कोई इच्छा नहीं, वो सदैव अमन है, सदैव चैन में रहने वाला है, अमन चैन। हमारा मन चला है माना, तो हमें चैन है ही नहीं। बाबा 2036 से सत्य की शुरुआत हुई, 2036 से हाँ, तो उससे पहले ये दुनिया की पूरा विनाश कब हो जाएगी? उससे पहले मतलब 36 से पहले कब होगी पूरा दुनिया की विनाश? 36 से पहले कब होगा पूरा विनाश? पूरा विनाश 36 से पहले क्यों होगा? 36 से तो सत्युग शुरू होगा ना। अरे संगम पूरा होगा, विनाश भी पूरा होगा, स्थापना भी पूरी हो जाएगी, तो संगम की ड्यूरेशन 36 तक है? बिल्कुल, क्या क्योंकि शक है क्या? 100 साल तो है ना ड्यूरेशन? 100 साल तो है ना? हाँ हाँ, ज्यादा में ज्यादा संगम में 100 साल दे दो बस। और बाबा जो भक्ति मार्ग में संतोषी माँ की पूजा करते हैं तो वो कौन है? जो संतोष लेकर के बैठी हुई है, असंतोष नहीं है उसके अंदर, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही है, मोहचावर नहीं कर रही है, वाचा नहीं चला रही है, कोई से लाल पीली आंखें नहीं कर रही है, संतोष में रह करके अपना पुरुषार्थ कर रही है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो को नहीं, शुक्र है खुदा का जो है ड्रामा में सो अच्छा। वो संतोषी माता है। जो जनक की आख्या दिया गया है, जनक है, वो कौन है संगम युग में? ज माने क्या, जन माने क्या, का माने क्या, का माने करने वाला, जन माना जन्म देने वाला, तो जनक माने क्या, जन्म देने वाला बाप।
दादा है आर्य समाज का दयानंद अकेले क्यों थे? अकेले क्यों थे? अरे तुम्हारा बाप जब एडवांस में आता है तो अकेला होता है कि 10-15 उसके साथ होते हैं? क्राइस्ट जब आता है तो अकेला होता है? परमधाम से आता है अकेला होता है कि 2-4 और साथ में होते हैं? महात्मा बुद्ध अकेला आता है कि 2-4 साथ आत्माएं आती हैं? ये तो शिव बाबा है कि अकेला नहीं आता है, वो तो अपने पूरे परिवार के साथ आता है। क्या महात्मा गांधी की जो कलयुग के अंत में आकर के नामाचार भोगे, महिमा भोगे, बड़ा मान मर्तबा ले ले आके दुनिया में, वो कलयुगी आत्मा हुई या सतयुगी आत्मा हुई? कलयुगी हुई। वो सतयुग की आत्मा होती तो फिर इतना प्रयास करने के बाद रावण राज होता दुनिया में? रावण राज्य स्थापन करके गए कि राम राज्य स्थापन करके गए? क्या करके गए? और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। क्रोध में बोलते नहीं है क्या? क्रोध में भी बोलते हैं? क्रोध में बोलते हैं तो भी क्रोधी, क्रोध में करते हैं तो भी क्रोधी, क्रोध में लाल लाल आंखें करके देखते हैं गोल गोल आंखों से तो भी क्रोधी, क्रोध में भयंकर वाइब्रेशन छोड़ते हैं, वाइब्रेशन लोग भयभीत हो जाते हैं तो भी क्रोधी। सब एडवांस ज्ञान में आएगा तो झूठ भी बोलते हैं ना, अब थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ता है कभी कभी, उन लोग को क्या होता है झूठ बोलने से? एडवांस में आने के बाद भी झूठ बोलते रहते हैं? बोलते रहते हैं। तो फाउंडेशन अपना फाउंडेशन डाल रहे हैं, जो आने वाली 5000 वर्ष की दुनिया है ना उसके लिए बीज बो रहे हैं। यहाँ जैसा बीज बोएंगे वहाँ लंबे समय तक काटेंगे। यहाँ संगम युग में थोड़ा सा बीज बोया अच्छे संकल्प का तो वहाँ लंबे समय तक अच्छाई काटेंगे, सुख में रहेंगे, और यहाँ थोड़ा सा खराब बीज बोया, दुष्ट संकल्प का बीज बोया तो वहाँ लंबे समय तक दुखी रहेंगे। ऑफिस में कभी झूठ बोलना पड़ता है, ऑफिस में कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो गुस्सा आता है, तो फिर प्रोफेशन को बताने के लिए करना पड़ता है सर। ठीक है, बाबा ने कन्या माता को कहा है कि धंधा दूरी करो पेट के लिए, लड्डू पेड़ा जो खाने भाई हम भाई लोग जो करते हैं, भाई लोग करते हैं उनका तो फर्ज है कन्या माताओं की परवरिश करना। वो जो झूठ बोलते हैं वो भी मतलब तुम्हारा पेट कैसे भरेंगे? भाइयों को तो धंधा करना ही है, और भाई लोग जो हैं वो दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं कि उनको संकरण कम लगता है, कन्या माताओं को संकरण ज्यादा लगता है, इसलिए बाबा ने मना ही कर दिया कन्या माताओं को नौकरी नहीं करनी है, पेट के लिए माथा नहीं मारना है। झूठ बोलने का दिल तो नहीं लगता है, झूठ बोलना पड़ता है, दिल तो नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है खुद को। अभी अभी हम यहाँ आने के बाद बाबा को पाने के बाद तो फिर और अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरन हो जाता है ऑफिस में, जैसे कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर ऑफिस है जा रहा है, टाइमली नहीं पहुँच पाते हैं, तो फोन करते हैं कि हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हमें तो बस 100 किलोमीटर आगे, हम बोल देते हम आ रहे हैं, हमारा अटेंडेंस लगा दो, ऐसा करके झूठ बोलना पड़ता है बाबा। ठीक है, लेकिन उस दिन तो पहुँचेंगे हम, लेकिन ऑफिस में टाइमली नहीं पहुँच पाते, लेकिन आगे ऑफिस में खबर मिलने से हम लोग को ठीक है आ रहा है बोल करके बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा इस चीज भी थोड़ा झूठ भी
बोलना पड़ता है। तो झूठी दुनिया में जितने भी धंधे हैं वो सब झूठे धंधे हैं या सच्चे हैं? झूठे हैं। सच्चा धंधा तो भगवान सिखाता है, तो मजबूरन हो जाता है, इसीलिए झूठ बोलने से हमें कहीं और ज्यादा बोझ तो नहीं होगा ना, क्या कि बोझ बढ़ा रहे हैं हम लोग को, फिर वही बीज रोप रहा है फिर झूठ बोलने का। ऐसा ही तो बता दिया कि दुनिया भी जितने भी धंधे हैं वो सब खलास हो जाएंगे, एक ही धंधा रह जाएगा। कौन सा? ईश्वरीय धंधा ही रह जाएगा, बहुत फलेगा फूलेगा। हिम्मत करके छोड़ दो तो बढ़िया, नहीं छोड़ दो तो कुदरत छोड़वा देगी। कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं, जो सच्चाई से कल कारखाना चला रहे हैं उनके कल कारखाने बंद हो रहे हैं या चल रहे हैं? बंद होते जा रहे हैं। ऐसे ही सब जानते हैं पुलिस की नौकरी खराब नौकरी है, वकालत का धंधा गंदा धंधा है, शराब का धंधा गंदा धंधा है, जानते हुए भी पैसे की लालच में कर रहे हैं। तो पुलिस में के अंदर रह करके और पुलिस के साथ नहीं चलेंगे, पुलिसियों के साथ, तो दुख भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? दुख भोगते भोगते जब अति आ जाएगी तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, क्या ईश्वर का धंधा जो करने में लगे हुए हैं उनका पेट नहीं भर रहा है? नहीं भर रहा है? तो हमें तो लड्डू पेड़ा चाहिए ना, कहेंगे मजबूरी है। मजबूरी किस बात की? लड्डू पेड़ा की मजबूरी है। ऐसे भी नहीं पढ़े लिखे लोग नहीं इस धंधे में चल रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस धंधे को पकड़ रहे हैं, ईश्वरीय धंधे को। ब्रह्मरी का बात आ रही है, ब्रह्मरी क्या है? कीड़ा होता है उड़ने वाला, वो उड़ने वाला कीड़ा जो है वो जो रात में झुर्र झुर्र करता रहता है झिंगुर, क्या कहते हैं उसे? जो भी कहते हैं, तो उस झिंगुर को पकड़ लेता है और पकड़ के उसके हाथ पांव तोड़ देता है, तोड़ करके लेके उड़ जाता है और मिट्टी का घरौंदा बना के उसमें रख देता है और उसमें चारों तरफ से आवाज यही करता है झुर्र झुर्र, पकड़ लेता है अच्छी तरह, झुर्र झुर्र करता रहता है और टांगों से दबाता रहता है, बहुत उसमें वो अंडा पैदा हो जाता है भ्रमरी का। ऐसे ही तुम बच्चे भ्रमरी हो, माना तुम ज्ञान की भू 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 करके माताएं जो हैं जिनको लगन लगी रहती है हमारा पति ज्ञान में चल जाए, तो वो सुबह से लेके शाम तक ज्ञान की बातें ही सुनाती रहेंगी। वो नहीं सुनना चाहते हैं, उनको एलर्जी पैदा हो रही है, तो भी सुनाती रहेंगी। तो भू 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 करते करते आखिरी अंत में वो कीड़ा भी क्या बन जाएगा? ब्राह्मण बन जाएगा। बाबा चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पूर्व अर्धचंद्र में होता है, तो कृष्ण पक्ष में फिर भी पश्चिम अर्धचंद्र में होता है, इसका लक्ष्य भजने क्या है दिया? चंद्रमा शुक्ल पक्ष में समझ गया, फिर कृष्ण पक्ष में पश्चिम अर्धचंद्र में होता है, इसका हद में क्या है बिहार में? हद में क्या है बिहार? हद में तो आपने देख लिया ना, क्या देख लिया? आधा इधर शुक्ल पक्ष में आधा उधर, नहीं कृष्ण पक्ष को आपने सही नहीं देख लिया, आपने कैसेट पूरी सुनी नहीं है, इसलिए जो बाबा समझाते हैं वो भी नहीं समझा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य,
सूर्य तो आग का जलता हुआ गोला है, उसके ऊपर तो परछाया पड़ता ही नहीं है, लेकिन एक तरफ सूर्य दमक रहा है और बीच में आ गई पृथ्वी, तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है, समझा नहीं समझा? सूर्य चमक रहा है पृथ्वी के ऊपर, रोशनी पड़ रही है तो छाया आ जाएगी ना, सीध में आ गया चंद्रमा तो अंधेरे में आ जाता है, वो हो गई अमावस्या की रात। क्या उसे कहेंगे? अमावस्या की रात और पूर्णमासी के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, चंद्रमा बीच में आ गया, चंद्रमा बीच में आ गया, सूर्य इधर है और इधर है पृथ्वी, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा, चंद्रमा का जो परछाया है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ा, तो पृथ्वी के ऊपर जहां परछाया पड़ रहा है उस परछाए के अंदर रहने वाले लोग चंद्रमा के बीच में आने के कारण सूर्य को नहीं देख पाते, तो सूर्य ग्रहण पड़ गया। अब इसका बेहद का अर्थ समझ लो, ज्ञान सूर्य कौन है? है चंद्रमा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा का पार्ट है ज्ञान सूर्य, और चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा है चंद्रमा, और पृथ्वी कौन है? है जगदम्बा, और जो भी भुजाएं कन्याएं माताएं हैं वो सब धरणी माताएं हैं, धरणी है ना, धारणा करने वाली है ना, पवित्रता की ज्यादा धारणा कौन करती है? कन्या माताएं। तो वो ज्ञान सूर्य का प्रकाश जब धरणी माता के ऊपर पड़ता है तो धरणी माता का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, चंद्रमा अंधेरे में हो जाता है, माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब कन्या माताओं से प्रभावित हो जाता है तो अंधेरे में आ जाता है, होना चाहिए उसे प्रभावित सूर्य से, लेकिन सूर्य से प्रभावित न होकर के किससे प्रभावित हो जाता है? जैसे कुमारिका दादी के प्रभाव में ब्रह्मा बाबा आ गई, मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा बाबा किसके प्रभाव में आ गए? कुमार दादाजी के प्रभाव, सारा उल्टा पलटा हो गया, अंधेरे में आ गया चंद्रमा, चंद्र ग्रहण हो गया। वेद की बात समझिए, ऐसे ही सूर्य ग्रहण ऐसे ही चंद्र ग्रहण। एक बार पहले से मैं देखा मोबाइल में कि जो चंद्र है ये प्रथम पांच तक एक टुकड़ा ऐसे उड़ के चले गए, ऐसे कैसे कैसे हुआ? ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे, ये क्या बात है? कोई मिट्टी का लौंदा है और जोर से घूम रहा है तो उसमें से कभी कोई हिस्सा छिटक के बाहर नहीं आ सकता? इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बाबा तीन बजिया घरे याद आ रहा है, है? आया काहे के लिए था? मस्ती मारने के लिए आया था? चलो अच्छा, एक की जगह दो हो गए, चलो भाई।